अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद इश्तियाक। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आइस नेटवर्क की फ़र्स्ट स्टेप की केवाईसी हो चुकी है, और लास्ट वीक उन्होंने एक ट्वीट किया था कि हम लोग नेक्स्ट वीक से स्टेप टू की केवाईसी करने जा रहे हैं, जो कि फ़ाइनल केवाईसी होगी। और रात को अपडेट आने के बाद फ़ाइनल केवाईसी का जो है ना नोटिफिकेशन आ गया, मोस्टली लोगों को आ रहा है। जो अभी माइनिंग सेशन जैसे स्टार्ट करेंगे तो आपको वो नोटिफिकेशन मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ कि ये आप लोगों ने करना किस तरह से है। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। स्टेप वाइज करूँगा ताकि आप लोग जो है ना वो आसानी से आप लोगों को अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले आप लोगों का जैसे माइनिंग सेशन पूरा होता है तो आप लोग जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद 3 सेकंड के लिए जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। केवाईसी स्टेप टू वेरिफिकेशन योर अकाउंट इजीली बाय यूजिंग देयर एग्जिस्टिंग एक्स प्रोफाइल, जो आपकी एक्स प्रोफाइल है उसके साथ आप लोगों ने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद ये आप लोगों को थोड़ी सी जो है ना वो गाइडलाइन देता है कि आप लोगों ने करना क्या है कि आपने जाके ओपन एक्स, एक्स क्या है, एक्स ट्विटर का जो अभी जब से एलन मस्क ने ख़रीदा तो ये एक्स जो है ना ट्विटर वो हो गया। एक्स से ट्विटर को कहते हैं। आपने ट्विटर अपना ओपन करना है, वहाँ पर जाके आपने सर्च करना है आइस ब्लॉकचेन अकाउंट को, ठीक है। फाउंड करने के बाद आपने जो है ना प्रोफाइल पे जाना, प्रोफाइल पे जाने के बाद तीसरा स्टेप आपने उसकी जो फर्स्ट होगी वहाँ पे पोस्ट उसको लाइक करना है, रीपोस्ट करना है ट्विट की मदद से। और ये वाला जो ये जो है ना हर अकाउंट का ये वाला जो है सीन, ये हर अकाउंट का पर्सनल होगा, ठीक है। जिस तरह के मेरा ये आप चेक कर सकते हैं, मोहम्मद इश्तियाक अहमद 560 से जो है ना मेरा यूज़र नेम यहाँ पर आ रहा है, तो ये यूज़र नेम सेम ऐसे जो है ना वहाँ पे हर बंदे का आ रहा होगा। तो आप लोगों ने इंडिविजुअल हर बंदे ने अपना अपना ये कॉपी करना है, किसी दूसरे का नहीं लगाना। कॉपी आप चाहे यहाँ से भी कर सकते हैं, कॉपी आप चाहे नीचे से भी कर सकते हैं। आपने जो कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, आपने चले जाना है ट्विटर एक्स के ऊपर। हम लोग जी ट्विटर एक्स के ऊपर चले जाएँगे। ये आपने ट्विटर एक्स ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मैंने तो पहले भी इसको लाइक किया हुआ, लेकिन आप लोगों ने सर्च पर चले जाना है। सर्च के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आइस डिसेंट्रलाइज्ड जैसे ही लिखेंगे तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा, आइस डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर, ठीक है। ये आइस ब्लॉकचेन यूज़र नाम से ऑप्शन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। ये पहली उनकी पोस्ट है जो कि 19 आवर हो चुके हैं इसके बाद, जिसके ऊपर जो है ना ये एम्ब्रेस ए डिसेंट्रलाइज्ड टू मोरो विद आइस वर्जन, ठीक है। ज्वाइन ओवर 1.2 मिलियन वर्जन हु हैव सक्सेसफुली कम्प्लीट केवाईसी, इसके ऊपर आपने आ जाना है। इसके नीचे आपने देखना ये ऑप्शन होती है कमेंट की, रीट्वीट की और लाइक की। आपने इसको इस तरह लाइक कर देना है। लाइक करने के बाद आपने इसको जाना है रीट्वीट के ऊपर। रीट्वीट के ऊपर एक तो रीपोस्ट है, आपने रीपोस्ट नहीं करना, क्योंकि रीपोस्ट करेंगे तो ये सेम ही आपकी जो है ना रीपोस्ट होगी। आपने इसके ऊपर जो है ना क्विट करना है। क्विट करने के बाद जो आपने वहाँ से कॉपी किया था, ये मेरा नीचे आ रहा है, आपने यहाँ पर ला के सेम वो कॉपी कर देना है, पेस्ट कर देना, सॉरी। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो ये इसके ऊपर ये आ जाएगा। आपने ऊपर देखना है रीपोस्ट की ऑप्शन आ रही है, आपने इसको रीपोस्ट कर देना है। जैसे ही आप रीपोस्ट करेंगे ऊपर देखेंगे योर पोस्ट वाज सेंट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने बैक आ जाना है, बैक आने होम पे आ जाना। होम पे आने के बाद ऊपर कोने में जहाँ पर आपकी पिक्चर लगी होगी आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये मेरा नाम आ गया, ठीक है। नाम आने के बाद नीचे आप देखेंगे एक प्रोफाइल की जो है ना ऑप्शन होगी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे आप नीचे आएंगे तो ये देखें, ये आपने जो पोस्ट किया है वो पोस्ट आ गई है, नीचे सारा कुछ आ गया। आपने अपनी पोस्ट को लाइक करना है। लाइक करने के बाद इसके साथ आप एक देखें शेयर की ऑप्शन आ रही है, आपने ये वाली, आपने इसके ऊपर शेयर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखें यहाँ पर कॉपी लिंक की ऑप्शन आ गई है, आपने यह लिंक को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोबारा आपने अपनी जाके आइस को ओपन कर लेना। आइस को ओपन करने के बाद जहाँ से हम लोगों ने ये लिंक को कॉपी किया था, इसके नीचे कंटिन्यू की ऑप्शन है, इसके ऊपर हमने क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू की ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कंफर्म पे क्लिक करना है। अच्छा जी, जो हम लेके आए हैं वहाँ से लिंक, इंटर द लिंक, पेस्ट द लिंक ऑफ योर पोस्ट बिलो, जो हमने पोस्ट की है ट्विटर पे जाके वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद हम इसको करेंगे वेरीफाई। जैसे हम लोग वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई करने के बाद आप जो है ना आपको कंफर्म की के लिए कहेगा, आपने कंफर्म कर देना है। 120 सेकंड्स का टाइम देगा, इसके अंदर अंदर आपकी जो केवाईसी उसकी वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन दे देगा। ले जी, मुझे मुबारकबाद।
कि मेरी केवाईसी जो है ना वो सेकंड ईयर की जो है ना वो कंटिन्यू हो चुकी है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको कंटिन्यू कर देना, जैसे कंटिन्यू करेंगे ये आपका माइनिंग सेशन अगेन से स्टार्ट हो गया और आपकी के टेयर टू की जो केवाईसी है वो भी फाइनल जो केवाईसी है वो पास हो चुकी है। तो ये मेथड है, सब लोग सेम लाइक ऐसे कर लें। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ जिस तरह ये थीरियम का एड्रेस है वो कैसे डालना है उसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।